शासकीय चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे बालाघाट के शासकीय अस्पताल समूह की महिलाओं ने देश में क्रांति लाने का कार्य किया। और अज्ञात चौपहिया वाहन की टक्कर से सचिव घायल। प्रदेश सरकार जिस तरह से शासकीय चिकित्सालयों में उपचार मिलने का ढिंढोरा पीट रही है, ठीक उसी के विपरीत आज प्रदेश के शासकीय जिला अस्पताल चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका ताजा मामला बालाघाट के जिला चिकित्सालय समेत विभिन्न शासकीय अस्पतालों का सामने आया है, जहां पर स्वीकृत पद होने के बावजूद चिकित्सकों की नियुक्ति न किए जाने को बड़ी नाकामी बताया है। और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का मुख्य कारण जिले में पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों का न होने को बताया है। खाद्य प्रसंस्करण व जल शक्ति मिशन के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आज 17 अप्रैल को स्व सहायता समूह के संबंध में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन से किया गया। इसके पश्चात कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम की प्रस्तावना पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि देश में महिला स्व सहायता समूह ऐसे कई कार्य कर रही हैं कि कहा जा सकता है कि देश में समूह की महिलाओं ने क्रांति लाने का कार्य किया है। हालांकि उन्होंने समूह के भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से जुड़ने की धीमी गति को लेकर चिंता जाहिर करते हुए प्रशासन और समूह से कहा कि वह इस दिशा में कार्य करें और खाद्य प्रसंस्करण के तहत कार्य करने के लिए जो 35% सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया है वह उससे लाभान्वित हो सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत 24 लाख समूह और लघु व सूक्ष्म उद्योग के 10 लाख करोड़ रुपए देने हैं, जिसमें केंद्र सरकार का 6000 करोड़ और राज्य सरकार का 5000 करोड़ रुपए होगा। भारत सरकार की किसी भी योजना में पार्शियलिटी का सवाल नहीं, अगर आपके पास में अंशदान है तो आपको हर योजना का लाभ मिलेगा। और ये जो गुमराह करने की भाषा है, ये ऐसी इस राजनीति का समय समाप्त हो गया है। और इसलिए ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ बिना मांगे प्रधानमंत्री आवास मिलता है, यहाँ शौचालय मिल जाता है, गैस कनेक्शन मिल जाता है, हर घर तक नल जाती है। तो ना हमने जाति पूछी, ना पार्टी पूछी, ना धर्म पूछा। मुझे लगता है अब हमको विकास की राजनीति की बात करनी चाहिए। देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष में हमको अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा। और इसका एक उदाहरण आपने अभी देखा होगा कि वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या है। हमारी बहनें जो समूहों में काम करती हैं, जिनको हम कभी जिम्मेदारी नहीं दिया करते थे, उनने इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि आज प्रधानमंत्री उनसे सीधे संवाद करते हैं। मॉयल नगरी भरवेली में थाना के सामने एक अज्ञात चौपहिया वाहन की टक्कर से पंचायत सचिव गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सचिव मानेगांव निवासी चंद्रशेखर लिलहारे 36 वर्ष को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर ग्राम पंचायत धनसुआ में सचिव के पद पर पदस्थ हैं, जो रविवार की सुबह करीब 10 बजे जनपद पंचायत बालाघाट में आयोजित पंचायत सचिव एवं अन्य की बैठक में शामिल होने बालाघाट आ रहे थे। इस दौरान भरवेली थाना के समीप बेहर की ओर से तेज गति से जा रहा एक अज्ञात चौपहिया वाहन चालक ने टक्कर मार फरार हो गया। दुर्घटना में सचिव बाइक सहित गिर गया। दुर्घटना होते देख आसपास के लोग दौड़े और घायल चंद्रशेखर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की जयंती के पावन अवसर पर बिरसा में भव्य श्री राम शोभा यात्रा और जुलूस का धार्मिक आयोजन किया गया। सर्व समाज के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष बुद्धन सिंह मर्सकोले, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की महामंत्री कल्पना मर्सकोले सहित क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर मोहगांव से यह शोभा यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई थी। संगीतमय, धार्मिक और आस्था पूर्वक निकाली गई शोभा यात्रा को लेकर श्री राम और हनुमान भक्तों में जोश और उमंग का माहौल रहा। अमृत जयंती महोत्सव एवं ग्रंथ विमोचन दीक्षा दिवस महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 17 अप्रैल को शहर के इतवारी बाजार स्थित कृषि उपज मंडी में किया गया, जिसमें
मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, सांसद ढाल सिंह बिसेन, लांजी विधायक हीना कावरे और भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री प्रहलाद सिंह ने कहा, मैं महाराज जी के दर्शन करने दर्शन लाभ लेने आया हूँ। और दूसरे तुमने मुझसे कहा कि धर्म धारण के लिए है, उदाहरण के लिए नहीं है। हम यहां आए और लेकर कर जाए तो उल्टे घड़े से भी खराब हमारी स्थिति होगी। हम हमेशा से मानते हैं कि हम किसी पुस्तकालय में जाए या संत के सत्संग में जाए। मैं जब दरवाजे के बाहर था तो मेरी कीमत जगह 70-72 पैसे नहीं होगी, तो लौट के जाऊंगा तो मेरा विश्वास है कि 75 पैसे का होकर जाऊंगा। हम सब चीजों को सत्य के आधार पर न देखें कि हम सुनते हैं और उसके बाद अगर हमारा आचरण नहीं है। और मैं जो चीजें देखता हूं, परोपकार हो और व्यापार हो, दोनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों की मान मर्यादाएं हमेशा हमारे आचार्य भगवान ये तपस्या की मूर्ति सामने है और उस तपस्या को पुस्तक के रूप में